दोस्तों आज मैं आपके लिए इंस्टेंट उत्तपम की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी भी बनेंगे। अब दाल चावल भिगोने का झंझट भी नहीं रह जाएगा। तो चलिए आटे से बनाते हैं अपने उत्तपम। तो एक बाउल में मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको डोसे के बैटर की तरीके बना लेंगे। तो देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड हम एक तवा गरम होने के लिए रख देंगे। इसको मैंने धीमी आंच पे गरम करने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा ऑयल तवे पे लगा लेंगे। एक ही बार ऑयल लगाएंगे और सारे उत्तपम बनकर तैयार हो जाएंगे। अब उत्तपम का बैटर लेंगे और तवे के मिड में धीमे से डालेंगे और हल्के हाथों से फैलाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। अब हम इस पे 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे और 1 पिंच इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज फैलाएंगे। जैसे हम चीले बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये उत्तपम भी बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसमें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डालेंगे। इसी के साथ इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 1 चम्मच की हेल्प से इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे, जिससे वेजिटेबल उत्तपम में चिपक जाए। अब ढककर 5 मिनट पकाएंगे और 5 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी पका लेंगे ढककर। तो देखिए हमारा उत्तपम दोनों साइड से पक चुका है। अब 1 मिनट के लिए इसे सीधा करके हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, इसे ये अच्छे से पक जाए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे उत्तपम। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए।